it's a very safe environment, a very protected environment, controlled environment. दोस्त हैं आप सब लोग, किसी को जानते हैं, तो inhibitions भी नहीं होते हैं उतने, धीरे धीरे टूट ही जाते हैं क्योंकि आप एक दूसरे को पर्सनली जानने लग जाते हो. और जब आप बाहर जाते हो तो ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट सेफ एनवायरनमेंट नहीं होता है, बिकॉज यू आर वर्किंग विद अननोन पीपल, शायद पहली बार मिलेंगे सेट पे उनसे, इतने सारा माहौल होता है, टेक्नीशियंस होते हैं यहाँ पर, आपको शायद बोला जाएगा कि आप प्रोसेस कीजिए, मेथड कीजिए, सिखाया भी जाएगा, तो आप 10 मिनट प्रोसेस मेथड करके और अपने पार्टनर के साथ में कुछ बात करके और करेंगे. लेकिन जब वहाँ पर चार लोग नीचे ऐसा इधर थर्माकोल लेकर बैठे होंगे, ऐसे तो एक सो रहा होगा नीचे, तो देन ऑल दैट प्रोसेस गोज फॉर अ टॉस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अराउंड एंड यू हैव टू लर्न टू वर्क अलॉन्ग विद ऑल दोज थिंग्स एंड मेक देम योर प्रोसेस. दे कैन नॉट बी योर इंटरेस्ट बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर यू ओनली एट द एंड ऑफ द डे. तो आपको ये समझना जरूरी है कि वो भी मेरे लिए काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये चीज़ अच्छी बने. और दूसरी कि जब आप बाहर जाते हो ना, तो यहाँ की जो क्लासरूम की जो चीज़, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जो स्किल सेट हम यहाँ पे डेवलप करते हैं ना, वही काम आता है बाहर जाकर, और वो आपको तैयार कर देता है किसी भी चीज़ को हेड ऑन लेने के लिए एज एन एक्टर. एंड सी, बिकॉज वंस यू गो आउट ना, आजकल बहुत सारे मीडियम्स है काम करने के, विच यू हैव टू रियली रियली अंडरस्टैंड. एज मैं मतलब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं कोई फिलोसफिकल बात नहीं कर रहा, बिकॉज दैट्स वट आई वेंट थ्रू. क्योंकि जब आप बाहर जाते हो ना, देर आर प्राइमरीली थ्री मीडियम्स राइट नाउ, दिस फिल्म, दिस टेलीविजन, दिस डिजिटल, राइट? तीनों मीडियम में एक्टिंग ही करनी है हमको, बट उनका प्रोसेस अलग है, उनकी काम करने की जो प्रोसेस है वो बहुत अलग है उन लोग सब तीनों मीडियम्स का. आपको तैयार तीनों के लिए रहना है. आपको नहीं पता आपको कहाँ काम मिल रहा है. आप सोचोगे मुझे फिल्म मिलेगी, हो सकता है वेब शो मिल जाए, हो सकता है टेलीविजन शो मिल जाए, है ना? तो आपको तैयार रहना पड़ेगा उन सब चीज़ों से को हेड ऑन लेने के लिए ना. वो जो स्किल सेट यहाँ सीखेंगे ना, वही काम आएगा बाहर जाके. फॉर एग्जाम्पल, मेरा पहला शो था, मैं यहाँ से बाहर निकला ना, तो मुझे हंगामा चैनल आता था एक पहले, देखा किस, हाँ, तो उस पर ना 4 दिन का काम मिला था मुझे, यहीं से भेजा गया था हमको ऑडिशंस के लिए, यूटीवी, सब यूटीवी होता था, तो यहीं से एपीसी हमको सबको ऐसे ऐसे आप लोग 40 बच्चे, हमको 40 बच्चों को भेज दिया वहाँ पे ऑडिशन करके. तो हम लोग सब गए ट्रेन में, लोअर परेल, हमने ऑडिशन दिया, हम लोग आए, 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ उसमें से, अलग 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 शोज के लिए. तो एक मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उसमें एक शो आता था हीरो, सुपर हीरो, है ना? हाँ, तो उसमें मैं एक एपिसोड के लिए मुझे एक नेगेटिव रोल मिला था. तो 4 दिन का काम था मेरा, फर्स्ट डे मैं शूट पे गया, राइट, लाइक हमने कल हमारा सर्टिफिकेट मिला है और आज काम मिला है सर. तो हम तो अल पचिनो थे उस समय, अरे बाहर निकलते काम मिल गया हमें. तो फर्स्ट डे आई वाज ऑन द सेट्स और कुछ तो लाइंस थे, कुछ बोलना था ना, आई वाज ओवेस में खड़ा था मैं, तो आई वाज कटिंग माय एक्टर्स को, एक्टर्स लाइट कॉन्स्टेंटली. तो आपको रजिस्टर नहीं होता है, सिखाया था हमें यहाँ, ऐसा नहीं नहीं सिखाया था, सिखाया गया था हमें यहाँ पर, एक्टर इन कैमरा भाटिया सर थे जी, तो सिखाया गया था हमको. बट ऑन फील्ड इट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर कितना सीख जाओगे आप, यहाँ पर बेसिक सीखोगे ना, बट देन वहाँ जाकर अब कौन कहाँ लाइट लगा रहा आपको नहीं पता. एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली कटिंग द लाइट, तो डायरेक्टर ने चिल्लाया, रहे किसको लेकर आया यार ये, अपने आप को ये ट्रेन एक्टर बोलते हैं, इनको लाइट तो लेनी आती नहीं है. सो आई फेल्ट वेरी बैड, क्योंकि आपका फर्स्ट डे कॉन्फिडेंस टूट जाता है, बहुत मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, बहुत बुरी तरह चिल्लाए थे. तो और ऐसे ही चिल्लाते हैं सेट पे, इसके लिए भी तैयार रहें. गाली वाली देते हैं बहुत अच्छे से, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, काट भी लेते हैं कुछ लोग. दैट हैपेंड एंड देन आई फेल्ट रियली बैड एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग. रात में अगले दिन वापस जाना था सेट पे, फिर गाली खानी थी, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट. एंड 4 days I sat on the set just to see what is happening there and where am I going wrong. Acting ki problem nahi thi, problem thi to adapt yourself on the set and in that process. To baad mein aapko samajh mein aata hai ki jo yahan pe classroom mein jo cheeze sikhayi gayi thi na, aap wo sari cheeze practically kaise use kar sakte ho. Slowly slowly gradually aapko apni ek ek exercise yaad aayegi, aapko apna ek ek जो यहाँ पर जितनी बार गाली खाई वो सब याद आएगी. एंड दैट विल हेल्प यू, रियली रियली हेल्प यू. इट हैज़ हेल्प मी अलॉट. आई डोंट नो, सबका इंडिविजुअल टेक होता है, बट इट हैज़ हेल्प मी अलॉट. और आई थिंक
सेट का प्रैक्टिकल नॉलेज यही है कि आप जाएंगे ना तो आपका सबका अपना अपना अनुभव होगा, और अपने अपने अनुभव से आप सब लोग सीखेंगे। कोई नहीं सिखा सकता और कोई बता नहीं सकता आप, क्योंकि हर आदमी एक इंडिविजुअल है और आप अपने तरीके से उस चीज़ को हैंडल करेंगे। आई थिंक दैट विल बिकम योर प्रोसेस। सी आई थिंक लाइक यू सेड इट्स माइंड सेट। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग लाइक दिस बट देन लाइफ टुक इट्स ओन कोर्स। देखिए हम लोग आते हैं स्टार्टिंग में ना बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हमें जो मिलता है ना हम करने की कोशिश करते हैं। और हियर कम्स द सेकंड थिंग सर टोल्ड मी व्हेन आई लेफ्ट, ही सेड बेटा काम करना, काम से काम आता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं, लेकिन काम करते रहना। इट मीन्स यू हैव टू एटलीस्ट शोकेस योर वर्क टू समबडी ना, उसके लिए करना तो पड़ेगा, छोटा करो बड़ा करो, इनिशियली तो कोई देख नहीं रहा आपका काम, काम दिखाना पड़ेगा, शोकेस करना पड़ेगा। स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड देन बिल्ड ऑन इट एंड इट विल कीप फेचिंग यू वर्क एंड इट डज, इट रियली डज, इट वर्क्स। सो व्हेन आई स्टार्टेड विद लव सेक्स एंड धोखा, सो इट वॉज द काइंड ऑफ वर्क आई रियली वॉन्टेड टू डू एंड आई डिड दैट, बट देन इट डिडंट फेच मी एनीथिंग फर्दर इन फिल्म्स एंड बट येस इट डिड फेच मी समथिंग रियली गुड इन टेलीविजन, सो आई जम्प्ड देयर। क्योंकि आप आते हो, आप सबको सर्वाइवल इशूज होने वाले हैं, अभी बाहर निकलोगे जब अभी सब अच्छा अच्छा है, उसके बाद में सब पेरेंट्स लात मारेंगे, फिर पैसे नहीं मिलेंगे, घर से बंद हो जाएंगे, लिमिटेड पैसे आएंगे, सो देन इट एवरीबडीज जर्नी, यू नो। अब कब तक करोगे वो चीज़, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड स्टार्ट फ्रॉम समवेयर प्लीज, सो दैट यू डू नॉट वेस्ट योर कमिंग ईयर्स। एंड देन इट केप्ट हैपनिंग एंड हैपनिंग, बट देन समवेयर बैक ऑफ माई हेड आई ऑलवेज न्यू दैट यू नो आई हैड इंक्लिनेशन टूवर्ड्स क्रिएटिंग थिंग्स रादर देन जस्ट बींग अ पार्ट ऑफ समथिंग, यू नो कोई बना रहा है मैं उसका हिस्सा हूँ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू क्रिएट समथिंग ऑफ माई ओन। सो द टाइम आई स्पेंट इन टेलीविजन आई टुक इट एज माई लर्निंग एंड आई कॉल इट एज पेड लर्निंग एंड अ डैम वेल पेड लर्निंग। ओके सो इट टॉट मी एवरीथिंग, टॉट मी द होल प्रोसेस ऑफ हाउ थिंग्स आर डन, इट टॉट मी प्रोडक्शन, टॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स। I took keen interest in editing post-production, so I know the complete post-production. So I knew stuff, I started learning things, and that was my own individual interest. That was my own individual interest, and I loved and I enjoyed it. So I learned every aspect of filmmaking. How KHD was conceived as an idea was my father is a writer, and he writes for a lot of Hindi magazines and books. So one of the magazine Hans ek kitab aati hai padhi ho kisi ne, to bahut popular kitab hai Hindi ki, north belt mein bahut chalti hai. To usme ek kahani chapi thi choti si jiska naam tha Sanja. To wo unhone padhi aur mujhe bola ki bahut achhi kahani tum bhi padho, to maine padhi aur woh zehen mein kahin reh gayi. Phir maine wo Archana ko di, Archana ne padhi, Archana ne bola ki agar kabhi पहली फिल्म करना चाहते हो तो ये तुम्हारी पहली फिल्म होनी चाहिए। सो फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 4 years अगो एंड वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट एंड स्टार्टेड डेवलपिंग इट इन माय हेड एज ए स्क्रीन प्ले, क्योंकि वो बहुत छोटी कहानी थी और उसको पूरा स्क्रीन के लिए अडेप्ट करना था। तो 2 साल तक हमने उसको लिखा साइमल्टेनियसली, आई वॉज वर्किंग फॉर टेलीविजन एंड आई वॉज राइटिंग इट एंड शी वॉज डेवलपिंग, हम लोग मिलकर उसको साथ में डेवलप कर रहे थे साइमल्टेनियसली। सो व्हाइल आई वॉज डूइंग सिया के राम द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले वॉज कम्प्लीटली डेवलप्ड और वो पूरा उसने उन्होंने कर लिया था एंड शी टुक केयर ऑफ द प्री प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग एंड वी वर क्लियर इन आर इट। आफ्टर झलक ओनली आई वॉन्टेड टू डू इट बट देन थिंग्स डिडंट फॉल इन टू प्लेस एंड देन आई डिड सी आर के राम एंड द टाइम इट वॉज गेटिंग एंड इट्स आई स्टार्टेड प्रेपिंग फॉर खिचड़ी। आई थिंक आई हैड 3 months इन माई हैंड टू प्रेप फॉर इट एंड रेस्ट एवरीथिंग वॉज टेकन केयर बाय अर्चना, तो मैं मेंटली वैसे फ्री था and by that time I also had funds, by that time I had everything in place. So yeah, that's how it started and like I said, kyun kuch kahaniyan na reh jati hain aapke zehen mein and they keep haunting you again and again. So it kept haunting us for a really long time, 2-3 years we lived with it and that's how we developed the whole screenplay. And then obviously the struggle was to be KHD, and that was the initial struggle. And because while I was doing Siyakaran, I was very muscular and I was
78-79 with muscles and all. तो वो उसका requirement था, but then for this I had to look like a girl and in that be in that physicality and all of that. So for 3 months I had to lose. I lost around 25-30 kgs. I was hardly 52-53 in the film. And the struggle was to lose muscle, not weight. And जो 20 साल से मेहनत करके बनाए थे. More than that, physicality, the issue was to let go of the machoism that you built in your head for yourself, you know. And it is not just the 10 years of being an actor, it is 30 years of living a life in a certain way. तो आप एक लड़के की तरह बड़े हो और आप जैसे हो, मतलब एथलेटिक था, स्पोर्ट्स में था, तो यू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ मसल मेमोरी. करेक्ट. तो मसल मेमोरी को कैसे आप गेट रिड करोगे, अब हाउ विल यू गेट रिड ऑफ दैट? दैट वॉज द स्ट्रगल. ऑल्सो द स्ट्रगल वॉज टू बी साइकोलॉजिकली देयर. हम आप सीखेंगे यहाँ पर, मैं क्योंकि मेरे सारे प्रोसेस फेल हो गए वहाँ पर, क्योंकि हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, इमोशनल कनेक्ट के लिए लाइक वी डू आर ओन मेमोरी, इमोशनल मेमोरी यूज करते हैं, या कोई एक्सपीरियंस यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन किसी का यूज कर लेते हैं, कुछ आपको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है. मेरा तो कोई जर्नी, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था वैसा, ना मैंने कभी किसी से इस तरह से बात की थी, या मैं जानता था, इतने करीब से जानता था. और जो चीज़ हम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो कहानी कहती है, वो ये था कि स्टीरियोटाइप, जैसे हम ट्रांसजेंडर्स को देखते हैं, उसका एक स्टीरियोटाइप, मतलब ड्यूरिंग दिस आई लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो हमें ही नहीं पता है, जो मिथ्स हैं या जो भी हम लोग दिन में जीते मुगालतों में. सो तो द इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप, जैसे हम उनको देखते हैं या परसीव करते हैं. जितनी भी फिल्म्स भी बनी है, जितनी कहानियाँ आप पढ़ेंगे ट्रांसजेंडर के ऊपर, वो हमारे पर्सपेक्टिव से बनी है, फ्रॉम सोसाइटीज पर्सपेक्टिव, हाउ वी सी देम और हाउ वी परसीव देम, राइट? नोबडी हैज एवर ट्राई टू मेक अ फिल्म फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, हाउ दे सी द सोसाइटी. नाउ आर पर्सपेक्टिव इज कि हम उनको सबसे कॉमन एनकाउंटर सबका होता है सिग्नल, सबका एक एक्सपीरियंस उनका होता है वो सिग्नल पे, उससे ज़्यादा तो किसी ने देखा है ट्रेन में. तो आप उनको एक तरह से ताली बजाते हुए या भीख मांगते हो, आप किसने यही देखा है, एक तरह का बॉडी लैंग्वेज, एक तरह की जबान है और एक तरह का जेस्चर पॉस्चर्स है. बट क्या वो पैदा होते क्या ये करते हुए? नहीं, दे आर बॉर्न जस्ट लाइक यू एंड मी, बट दे आर टॉट टू बिहेव लाइक दैट वंस दे हैव एंटर्ड द कम्युनिटी, बिकॉज दे हैव नो अदर वे टू सर्व. लेकिन अगर उनको ऐसा नहीं सिखाया जाएगा तो क्या? आप एक लड़के की तरह पैदा हुए हो, आप एक लड़की की तरह पैदा हुए हो, आपको बचपन से घर में बोला गया है कि आप लड़के हो, आपको घर में शुरू से बोला गया है कि आप पिताजी जैसे हो, आपको भाई जैसे हो या दादाजी जैसे हो, आपको बोला गया आप मम्मी जैसी हैं या बहन जैसी हैं या आंटी जैसी हैं, जो भी है आप लड़की हैं, आपको हमारे सामने ना वो चीज़ें होती हैं कि आपको कॉन्टेक्स्ट मिलता है किस तरह से टेम्पलेट बन जाता है आपका कि मुझे लड़का ऐसे होता, लड़की ऐसे होती है, और फिर आप ऐसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं. और वैसे अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसका हमें अगर जेंडर नहीं पता है, उसको मैं लड़के की तरह बड़ा करूँ तो लड़का हो जाएगा, उसको मैं लड़की की तरह बड़ा करूँ तो लड़की हो जाएगी. फिजिकैलिटी की बात है ना एट द एंड ऑफ द डे. सो दैट वॉज द स्ट्रगल एंड बिकॉज दैट्स व्हाट यू वॉन्टेड टू अचीव ऑल्सो. आई थिंक इट्स मोर देन हार्ड, इट्स नेसेसरी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट जस्ट एज एन एक्टर, इट्स एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो. यू हैव टू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, वरना आप आज बाहर जाएंगे ना, यू विल बी कास्ट आउट कम्प्लीटली. अगर इफ यू आर नॉट री इन्वेंटिंग योर सेल्फ एवरी सिंगल डे एज एन एक्टर, तो यू हैव टू, बिकॉज द इंडस्ट्री इज चेंजिंग एवरी डे वेरी वेरी रैपिडली. यू नो वंस यू विल गो आउट यूल अंडरस्टैंड इट, एंड वंस यू स्टार्ट फाइंडिंग वर्क एंड डूइंग वर्क एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक सी आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, आई ऑल ओनली थिंग आई से इज दैट गो एंड डोंट हैव एनी हैंग अप्स अबाउट डूइंग वट काइंड ऑफ वर्क यू डू, बट डू इट विद कन्विक्शन, फुल कन्विक्शन, एंड जस्टिफाई इट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द मेकअप. इट विल फेच यू गुड थिंग्स इन फ्यूचर, ट्रस्ट मी. इंडस्ट्री इज वेरी स्मॉल, पीपल टॉक, पीपल आई एम टॉकिंग, आई एम टेलिंग वेरी प्रैक्टिकल थिंग. इट्स अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, वही 15 लोग काम करते हैं, वही 50 टेक्नीशियन काम करते हैं, एंड दे ओनली स्प्रेड द वर्ड अराउंड. हाँ वो लड़का बड़ा अच्छा है, वो लड़की बड़ी अच्छी, अरे नया लड़का आया, नया लड़की, उसने बड़े अच्छे से काम किया,
and this very very practical I'm telling you right now. So be nice to people. It's not hard to be nice to people. And in काम आपको ना मैं सिर्फ काम कैसे मिला वो बता सकता हूँ क्योंकि बाहर जाएगा फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होने वाला अब क्या करें काम कैसे होगा. सी काम दो आप बोलोगे मैं बड़ा तोड़ू एक्टर हूँ और मुझे काम मिल जाएगा ऐसा नहीं होता. आप एवरेज एक्टर हो बड़ा कमाल के इंसान हो आपको बहुत काम मिलेगा. आपका बिहेवियर अच्छा है लोगों से बहुत काम मिलेगा भले आप एवरेज एक्टर हो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो एक्टिंग कैन बी मैनेज्ड यस बट दैट इज़ नॉट दैट आप ध्यान ना दें प्लीज़ ध्यान दें उस पर वो काम वही आने वाली एक्टिंग तो करनी पड़ेगी बट इंसान अच्छे रहें बाहर अच्छे से बात करें सबसे बी एट योर बेस्ट बिहेवियर विद एवरीबडी अराउंड. आई एम टेलिंग आई गॉट अ वर्क फ्रॉम वन ऑफ द सेटिंग दादाज हु वेंट एंड सेड गुड थिंग्स अबाउट मी टू अ प्रोड्यूसर एंड ही वाज सेटिंग दादा एंड आई नेवर न्यू हिम ऑल्सो ही वॉज जस्ट वन ऑफ द क्रू मेम्बर्स इन वन ऑफ माई फिल्म एंड ही वेंट एंड ही सेड समथिंग टू समबडी एल्स एंड देन ही कॉल्ड मी फ्रॉम दैट दैट हैपेंड एंड एवरी एक्टर विल टेल यू दिस काइंड ऑफ स्टोरी. Every actor has this kind of story. So please, and it's true. So please be nice to people around you and go and do a lot of work. And I hope you do a lot of work. Yeah, it's always, when I remember my time here, it only reminds me of very, very good memories. And it reminds me of a time which really helps me till now, you know. Not just as an actor, but as an individual in general, you know, just as a human being, you know, you grow so much. Because only thing that you can reflect upon, only thing you can dig inside yourself and whenever you are in trouble in life, you know, it's what you've learned in your past. And whatever I've learned here really helps me, not just as an actor, but as an individual also. And I think, yeah, it's always great to be here. I always tell actors that, you know, don't want or do not come to Mumbai or don't want to be an actor because of the razzmatazz of it, you know. If you really want to be an actor, learn. Learn to be an actor or, you know, educate yourself to be an actor because it is a profession, it is a very serious profession. And in today's world, if you're not educated actor or trained actor, I think you'll find it very difficult to find work and if you find work, then to survive. So I think you really need to train yourself to be an actor and take it seriously and do not fall into the trap of all the whole razzmatazz stuff.